सब्सक्राइब कीजिए हमारे ट्विन टर्बो यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मारुति सुजुकी सियाज पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स। मारुति सुजुकी सियाज जो कि इंडिया की टॉप 20 बेस्ट सेलिंग कार में से एक है, हालांकि क्या क्या है गाड़ी के पॉजिटिव पॉइंट्स और क्या क्या है नेगेटिव पॉइंट्स पूरा हम डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं रश्मिकांत, आप लोग देख रहे हैं ट्विटर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। पॉजिटिव पॉइंट्स में देखा जाए गाड़ी काफी प्रीमियम लुक के साथ है और गाड़ी का प्राइस इस सेगमेंट में सबसे बेहतर भी है। हालांकि देखा जाए इस सेगमेंट के बात किया जाए तो ह्यूंडई वर्ना हो या होंडा की सिटी हो या स्कोडा की रैपिड हो, तो इनके साथ अगर कंपेयर किया जाए तो आपको मारुति सुजुकी का सियाज आपको सबसे कम रेट में मिलता है। हालांकि गाड़ी के एक्सटीरियर लुक्स काफी प्रीमियम है, एक्सटीरियर में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया, लुक्स के मामले में गाड़ी काफी बेहतर है। और इंटीरियर पे बात किया जाए, इंटीरियर पे आपको भी काफी अच्छा खासा स्पेस भी मिल जाता है। अच्छा खासा मतलब इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा आपको स्पेस मिल जाता है। हालांकि गाड़ी इस सेगमेंट में सबसे लंबी है, इसलिए आपको बैक साइड के लेग रूम आपको अच्छा खासा लेग रूम मिल जाता है और उसके साथ अच्छा खासा हेडरूम भी मिल जाता है। इंटीरियर के लुक्स भी काफी प्रीमियम है। गाड़ी आपको प्राइस रेंज में शुरू होता है 7.97 लाख से 11.78 लाख, जो कि इस सेगमेंट में सबसे कम प्राइस है। और गाड़ी में आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और 510 लीटर का बूट स्पेस भी मिल जाता है। गाड़ी काफी प्रैक्टिकल, काफी स्पेसियस और काफी प्रीमियम भी है। और देखा जाए गाड़ी में फीचर्स भी काफी सारे सिमिलर फीचर्स मिल जाते हैं इस सेगमेंट में साथ कंपीट किया जाए तो। आपको 7 इंच का टस्किन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ब्लूटूथ, जीपीएस नेविगेशन, ऑक्स वॉइस कमांड, पुश स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, रिवर्स पार्किंग सेंसर, कैमरा, काफी सारा आपको फीचर्स भी मिल जाता है। और गाड़ी का परफॉर्मेंस काफी भी बेहतर है। गाड़ी का इंजन काफी पावरफुल है और गाड़ी आपको हाईवे में काफी स्टेबल भी रहती है। और गाड़ी का गियर एंड क्लच भी काफी स्मूथ है, जो कि गाड़ी चलाने में काफी बेहतर है सिटी में हो या हाईवे पे हो। हालांकि गाड़ी का माइलेज भी काफी बेहतर है, इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा माइलेज भी आपको सियाज प्रोवाइड करता है, जो कि पेट्रोल में 19 टू 20 किलोमीटर पर लीटर और डीजल में 28 kmpl आपको माइलेज मिल जाता है। हालांकि गाड़ी में काफी सारा पॉजिटिव पॉइंट्स है, शायद इसलिए गाड़ी आपको इंडिया में टॉप 20 बेस्ट सेलिंग कार में से एक बन जाता है और इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिक जाता है। हालांकि गाड़ी में कुछ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। नेगेटिव पॉइंट्स क्या है चलिए डिस्कस करते हैं। गाड़ी में सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है गाड़ी का कैबिन नॉइज। इस सेगमेंट में अगर अदर गाड़ी के साथ कंपेयर किया जाए तो इस सेगमेंट में इसमें थोड़ा कैबिन नॉइज तो फील होता है। और हालांकि देखा जाए गाड़ी में सेफ्टी के मामले में सिर्फ और सिर्फ 2 एयरबैग्स मिलते हैं। हालांकि इस सेगमेंट में सभी गाड़ी में टॉप एंड वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग्स मिल जाता है। और एक नेगेटिव पॉइंट है जो है सबसे बड़ा, गाड़ी में काफी सारा फीचर्स मिसिंग है। हालांकि देखा जाए ये अभी जितने सारे इस सेगमेंट में जितने सारे गाड़ियां हैं कंपटीशन में उनका जो फेसलिफ्ट वर्सन लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन मारुति सुजुकी सियाज की फेसलिफ्ट वर्सन 2018 में आने वाला है, तो हालांकि लगता है उसमें सारे फीचर्स आ जाएंगे। फिर भी बात करें नेगेटिव पॉइंट्स तो हम बात करेंगे ही, तो गाड़ी में क्या क्या फीचर्स मिसिंग है, तो आपको क्रूज कंट्रोल, कोड लॉक ब्लॉक्स, एलईडी डीआरएल्स, रियर वाइपर, रेन सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर्स भी मिसिंग है, ऑटो हेडलैम्प्स मिसिंग है, सनरूफ मिसिंग है, इंटरनल हार्ड ड्राइव मिसिंग है और काफी सारा फीचर्स भी गाड़ी में मिसिंग है। तो हालांकि देखा जाए गाड़ी के पॉजिटिव पॉइंट्स काफी अच्छा है, 2018 फेसलिफ्ट वर्सन भी आपको सारे फीचर्स भी मिल सकते हैं। तो अभी भी गाड़ी का प्राइस रेंज इस सेगमेंट में सबसे कम है और सबसे अच्छा खासा भी लोग इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आपका क्या राय है गाड़ी के बारे में, आपको क्या लगता है गाड़ी के पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा लगा हो अगर ये मेरे कोशिश आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।